स्क्रीन ओवरले डिटेक्टेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको एंड्रॉयड फोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो और अपने मोबाइल में से इंस्टॉल करते हो और उसे कुछ परमिशन देने की कोशिश करते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक एरर शो होता है या फिर कहें एक मैसेज शो होता है, स्क्रीन ओवरले डिटेक्टेड। तो आखिर में ये स्क्रीन ओवरले क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है और अगर आपके मोबाइल में भी ये स्क्रीन ओवरले शो हो तो ऐसे में आप इसे किस तरह डिसेबल कर सकते हैं या फिर कहें किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन ओवरले के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी के चैनल में। मोबाइल में स्क्रीन ओवरले एरर क्यों आता है, इसे कैसे ठीक करें, कैसे बंद करें, ये सब जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में स्क्रीन ओवरले होता क्या है। तो स्क्रीन ओवरले अगर मैं आपको एक छोटे से और सबसे आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐप के ऊपर दूसरे ऐप को रन करना बेसिकली स्क्रीन ओवरले ही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर पे कोई चैटिंग कर रहे हैं किसी से तो वहीं पर अगर आपको फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आता है तो आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेंजर का आइकन आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर ही एक स्क्रीन ओवरले हो जा रहा है व्हाट्सएप मैसेंजर से, तो बेसिकली इसे ही हम स्क्रीन ओवरले कहते हैं। तो ये जो एरर है वो आपको ज्यादातर एंड्रॉइड 6. वर्जन यानी मार्शमेलो वर्जन में देखने को मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो स्क्रीन ओवरले है वो हमारे मोबाइल में कब शो होता है और इसे किस तरह ठीक किया जाए। तो जब भी हम किसी ऐप को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और उसे ओपन करते हैं और वहाँ पर ओपन करने के बाद वो ऐप कुछ परमिशन मांगता है तो हम अलाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में एक मैसेज शो होता है या फिर कहें एरर शो होता है, स्क्रीन ओवरले डिटेक्टेड। तो बेसिकली एक नया ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब भी हम किसी ऐप को कोई परमिशन देते हैं तो उस वक्त ये मैसेज शो होता है हमारे मोबाइल में। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर कई बार मोबाइल में फ्लोटिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने की वजह से भी आ जाता है या फिर मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि पहले से ही स्क्रीन ओवरले को इनेबल करके रखते हैं। तो इन्हीं ऐप्स की वजह से कई बार आपके मोबाइल में ये स्क्रीन ओवरले डिटेक्टेड एरर आ जाता है। तो चलिए अब हम सीधा मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस एरर को ठीक कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में ये मैसेज शो होता है। तो स्क्रीन ओवरले को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है और स्क्रॉल करके नीचे आना तो यहां पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर सिंपली मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स दैट कैन अपीयर ऑन द टॉप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन इनेबल मिलेंगे यानी एक्टिवेट मिलेंगे, तो आपको इन सारे ऑप्शन को बंद कर देना है एक एक करके। ध्यान रहे ये परमिशन बंद करने के बाद कुछ ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं, तो अगर आप वो ऐप्स काम करना बंद कर देते हैं तो उन्हें आप यहाँ पर आके दोबारा से ये ऑप्शन इनेबल कर दें यानी एक्टिवेट कर दें। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल में जितने भी टैब ओपन है उन्हें क्लोज कर देना है यानी बंद कर देना है। इसके बाद अब आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है दोबारा से और एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर उस ऐप को सिलेक्ट करना है जिस भी ऐप में स्क्रीन ओवरले का मैसेज शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस ऐप में स्क्रीन ओवरले का मैसेज शो हो रहा है तो आपको उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है। फोर्स स्टॉप पे क्लिक करने के बाद आपको परमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे मैन्युअली परमिशन दे सकते हैं, जिसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे और उस ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके मोबाइल में यानी जिस भी ऐप के आप परमिशन दे रहे हो यहाँ पर मैन्युअली उस ऐप में किसी भी तरह का स्क्रीन ओवरले का मैसेज शो नहीं होगा। इसके अलावा ये सारे ऑप्शन आपको कुछ फ़ोनों में मोबाइल के एप्लीकेशन में जाके एडवांस पे क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेशल एक्सेस पे क्लिक करना है और उसके बाद डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेंगे तो यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन पे नो पे क्लिक करना है यानी सभी एप्लीकेशन में आपको नो सेलेक्ट करना है। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर फिर भी उस ऐप में स्क्रीन ओवरले का मैसेज शो हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है, बस अपने फोन को रीस्टार्ट करना है यानी स्विच ऑफ करके ऑन कर देना है और दोबारा से इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपके उस ऐप में स्क्रीन ओवरले का जो भी एरर है या फिर प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा।
रहा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।